दिस चैप्टर इज फुली डेडिकेटेड टू द रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग बेटा यहाँ पर जो पढ़ाएंगे उसके अंदर एक चीज़ याद रखना कि वी विल बी फोकसिंग और वी विल बी फोकसिंग द एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर द ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे कोर्स में क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को ही ध्यान में रखकर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ाएंगे। ऑलराइट बेटा, नाउ यू नो वेरी वेल नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई डू रिप्रोडक्शन अकर। तो बेटा, टू कंटिन्यू इट्स ओन रेज एन ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग लाइक इट्स ओन, ठीक है। टू कंटिन्यू इट्स ओन रेज, अपने वंश को बचाए रखने के लिए, एक हिंदी वर्जन यूज करूं तो ज्यादा समझ में आएगा, अपने वंश को बचाए रखने के लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन करता है ना, अपने वंश को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। आपने देखा होगा, दिस इज अ जनरल ट्रेंड विच इज सीन इन अवर सोसाइटी, है ना। हमारे जो ग्रैंड फादर है उनसे हमारे पापा बने, पापा से हम बने, हम आगे चलकर प्रोजीनीज बनाएंगे। तो दिस इज द रूल ऑफ नेचर। सोचो जरा कि यदि किसी भी स्पीशीज के अंदर, किसी भी रेस के अंदर यदि रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए तो उस रेस के जितने भी मेंबर्स होंगे वो एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान करने के बाद में उनकी डेथ हो जाएगी। तो टू कंटिन्यू इट्स ओन रेस, अपने वंश को चलाने के लिए एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। एंड जनरली इट इज अ ट्रेंड दैट ईच ऑर्गेनिज्म हु हैज टेकन बर्थ ऑन दिस अर्थ प्लेनेट, अब चाहे वो छोटा सा ऑर्गेनिज्म हो, अमीबा हो, या सबसे एडवांस्ड ह्यूमन बींग हो, उस बीच के अंदर अमीबा से लेकर और ह्यूमन बींग के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म और दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म, सब के अंदर रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है, ये सुनो। आपने एक तालाब के अंदर खूब सारी फिशेस को देखा होगा, तो वहां पर भी तो रिप्रोडक्शन हो रहा है। आपने अपने आसपास बर्ड्स को देखा होगा, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ते हुए देखा होगा आपने, आर यू गेटिंग। तो रिप्रोडक्शन एक जनरल क्राइटेरिया है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी डेथ के पहले, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी डेथ के पहले अपनी ऑफस्प्रिंग्स को बनाता है। दिस इज अ जनरल ट्रेंड, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म अपनी डेथ के पहले किसको लीव करता है, प्रोजेनीज को लीव करता है। तभी तो ये पूरा के पूरा संसार चलता है। यदि कोई एक पर्टिकुलर ह्यूमन रेस है, मान लीजिए उस ह्यूमन रेस के अंदर रिप्रोडक्शन ही बंद हो जाए तो ये खत्म ही हो जाएगा ना पूरा। तो व्हाट आई वांट टू से, टू कंटिन्यू इट्स ओन रेस, एक ऑर्गेनिज्म अपने वंश को बचाए रखने के लिए क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और उस रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड दैट ऑफस्प्रिंग्स आर जस्ट लाइक द पेरेंट्स। आई एम नॉट सेइंग दैट द ऑफस्प्रिंग्स आर द कार्बन कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, बट ऑफस्प्रिंग्स आर जस्ट लाइक पेरेंट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार अभी भी और भी बता देता हूं, लाइक बिगेट्स लाइक, एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, लाइक बिगेट्स लाइक, जैसे से जैसा। आज गेटिंग, इंसान के घर पर बच्चा पैदा होता है तो वो इंसान जैसा दिखता है, दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो आंखें होती है, नाक होते हैं, सब कुछ अपनी जगह पे होती है। तो आप एक इंसान के घर पे पैदा होता है बच्चा, राइट, तो वो इंसान जैसा दिखता है ना, तो मतलब वो इंसान की औलाद इंसान है। इज इट क्लियर नॉट? तो कहने का मतलब है कि लाइक इट्स ओन टाइप, आर यू गेटिंग। और यदि कोई, मान लीजिए इंसान के घर पर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो बिल्कुल डिफरेंट है, इंसान जैसा नहीं दिख रहा है, तो बायोलॉजी में जानते हो उसको क्या कहते हैं, टेरेटो। बायोलॉजी में इसको क्या कहते हैं, टेरेटो। टेरेटो का मतलब होता है, हिंदी वर्जन देता हूं उसको तो ज्यादा समझ में आएगा, अभी दशहरा थोड़ा सा पास में गया है। टेरेटो का मतलब होता है राक्षस, टेरेटो का मतलब होता है राक्षस। यदि मैं किसी हिंदी मीडियम के बैच में पढ़ा रहा होता तो मैं कहता राक्षस। सोचो, इमेजिन करो कि एक ह्यूमन बींग के घर पर ऐसा बच्चा पैदा हो जो ह्यूमन बींग जैसा लगता है, तो हाँ यस, इंसान की औलाद इंसान जैसी नजर आती है। लेकिन सोचो जरा कि एक ह्यूमन बींग के घर पर एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो बिल्कुल अलग है, तो उसको क्या कहते हैं बायोलॉजी के अंदर, वी कॉल इट एज टेरेटो, राक्षस कहते हैं, है ना। आज एक बात बताओ, रावण को राक्षस क्यों कहा था? आज यदि रावण को एक सिर वाला रावण खड़ा कर दिया जाए तो उस मालूम पड़ेगा कि ये क्या है। राक्षस मतलब कैसा होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए, है ना। और जैसे रावण था तो उसके 10 सिर थे, तो ऐसे 10 सिर, तो लग रहा था कि भाई ये इंसान नहीं है, ये कोई अलग है, और अलग होता है तो वो कौन होता है, राक्षस होता है। खैर, तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, लाइक बिगेट्स लाइक, रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर सिमिलर टू द पेरेंट्स, आर यू गेटिंग। चलो अब खास बात पे आते हैं, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा वी विल बी फोकसिंग प्योरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स,
then we will be purely in this chapter, we will be dealing with the sexual reproduction only. We will be not at all discussing about the asexual reproduction. Asexual reproduction chapter number 1 के अंदर पढ़ लिया है. अब तो human beings के ऊपर बेटा focus कर रहे हैं, और human beings के अंदर focus कर रहे हैं, तो purely and purely we will be focusing on the sexual reproduction only. तो in sexual reproduction, the organism produce male and female gametes. है ना? Male और female gametes बनते हैं. तो ये बताना ज़रूरी है बेटा कि आप सब जानते हो कि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. तो मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है, तो हमने बताया हुआ है आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, वो कौन होते हैं बेटा? गैमेट्स होते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, वो गैमेट्स होते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से ही बनेगा, ठीक है? विच ऑन कंबाइनिंग डेवलप इंटू अ न्यू इंडिविजुअल. अभी हम बताएंगे भी इसको कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म बनता है. तो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स यहां पर गैमेट्स बनेंगे, ठीक है? द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. गैमेट्स जो हैं उनका फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है. गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है. जैसे कि आप सब जानते हो कि मेल के अंदर यदि मैं बात करूं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो कौन होता है? टेस्टिस, जिसके अंदर की क्या बनता है? मेल के अंदर टेस्टिस होती है, जिसके अंदर की स्पर्म बनते हैं. और स्पर्म जो होता है वो क्या होता है? मेल गैमेट होता है. इसी तरीके से यदि हम फीमेल की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट द फीमेल, तो फीमेल के अंदर बेटा क्या होती है? ओवरीज होती है. ओवरीज के अंदर क्या बनते हैं? ओवम बनते हैं. और ओवम को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज फीमेल गैमेट. समझ में आ रहा है? तो मेल के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं. स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है. फीमेल के अंदर ओवरीज होती है, ओवरीज के अंदर ओवम बनता है. ओवम क्या है? फीमेल गैमेट है. व्हेन दिस मेल एंड द फीमेल गैमेट विल फ्यूज टुगेदर, अ जायगोट विल बी फॉर्म. जायगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो से क्या बनता है? यंग वन बनता है. दिस इज द क्राइटेरिया. तो अब अपने को ये पढ़ना है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो बेटा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं? क्या सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं? ऐसा तो नहीं है. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं जिनके अंदर गैमेट्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, है ना? हियर गैमेट्स आर फॉर्म्ड, है ना? गैमेट्स कभी भी जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें कभी भी नहीं बनते हैं. हमेशा गैमेट्स बनते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर. तो देखो क्या लिख दिया है, क्लियर कट बेटा लिख दिया है कि एसेंशियल ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? दीज आर द एसेंशियल ऑर्गन्स विच फॉर्म द गैमेट्स. क्लियर कट लिख दिया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं, ठीक है? इन मेल्स. अब मेल्स की बात करें, मेल की बात हो रही है तो क्लियर लिख दिया है, ऊपर आपको बता दिया है, द गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन्स आर कॉल्ड टेस्टिस. वेरी सिंपल. ये रे, गैमेट फॉर्मेशन जहां पर होता है वो टेस्टिस होते हैं. और यदि फीमेल्स की हम लोग बात करते हैं, द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स आर द ओवरीज. तो फीमेल्स के अंदर ओवरीज के अंदर ये बनते हैं. आर यू गेटिंग? तो मेल के अंदर तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बेटा टेस्टिस, जिसके अंदर मेल गैमेट बनता है. और फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी है, और उसके अंदर क्या बनता है? ओवम बनता है. गॉट इट? ये तो समझ में आया. चलो नाउ मेल गैमेट को हम स्पर्मेटोजोअन कहते हैं. डोंट बी कंफ्यूज्ड, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि स्पर्मेटोजोअन अलग है. अरे स्पर्मेटोजोआ कहो, स्पर्मेटोजोअन कहो, स्पर्म कहो, एक ही चीज है. द मेल गैमेट इज द स्पर्मेटोजोआ एंड द फीमेल गैमेट इज द ओवम. क्लियर? तो मेल गैमेट क्या है बेटा? मेल गैमेट जो होता है उसको तो अपने क्या कहेंगे? स्पर्म कहेंगे. और
जो फीमेल गैमिट होगा उसको हम क्या कहेंगे, ओवम कहेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ें, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं कुछ बेसिक बातों को आपको और बताना चाहूंगा, कुछ बेसिक बातों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं बेटा टेस्टीज। ठीक है, और मैं यहां पर लिखता हूं ओवरीज, है ना। ये मैंने क्यों लिखा कि ये क्या है, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, और ये क्या है बेटा, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। अब मुझे ये क्यों लिखना पड़ा है, तो कई लोग सोचते हैं कि बस टेस्टीज का काम केवल एक ही है कि स्पर्म को बनाना, और ओवरीज का काम एक ही है ओवम को बनाना। नो डाउट एट ऑल, डेट इज द प्राइम फंक्शन, लेकिन हम क्या करते हैं कि यहां पर आपको पढ़ाते हैं फंक्शंस, टेस्टीज के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टेस्टीज के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो तो ये है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, ये तो उसका प्राइमरी रोल है ही, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। बट नॉट ओनली टेस्टीज आर नॉट ओनली कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म विच इज नॉन एज अ मेल गैमेट, दे आर ऑल्सो कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ, दे आर ऑल्सो मेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। और मेल सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, एंड्रोजन। ये बेटा मैंने जानबूझकर एंड्रोजन लिखा है, मैं चाहता तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन भी लिख देता। कुछ बच्चे अभी सोच भी रहे होंगे कि टेस्टोस्टेरोन लिख देते थे सर, तो प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन। बेटा टेस्टोस्टेरोन भी एक तरीके का प्रिंसिपल एंड्रोजन जो है, मैं आपको बता दूं प्रिंसिपल एंड्रोजन, सबसे इंपॉर्टेंट एंड्रोजन जो है वो कौन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो टेस्टोस्टेरोन वास्तव में एक एंड्रोजन ही है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, इट इज अ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना, इट इज अ एंड्रोजन ओनली, तो प्रिंसिपल एंड्रोजन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है। इसका मतलब मेल सेक्स हार्मोन्स और भी तरीके के होते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे खास है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन नॉन एज द एंड्रोजन, यानी कि प्रिंसिपल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का ये क्या करती है, सेक्रेशन करती है। और अब क्वेश्चन अराइज होता है बेटा ये टेस्टोस्टेरोन है क्या, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो क्या करता है, इट कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स, इट कंट्रोल्स राइट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल, इट कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, और वो है कि ओवरीज के क्या फंक्शन है। तो जिस तरीके का फंक्शन टेस्टीज का है वैसा ही इनका भी फंक्शन होगा, जैसे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओवम, प्रोडक्शन ऑफ ओवम। और ओवम क्या, जैसे स्पर्म मेल गैमेट है तो ये क्या चीज है बेटा, फीमेल गैमेट है, दिस इज द फीमेल गैमेट। क्लियर, नाउ जैसे टेस्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। जैसे मैं दो हार्मोन्स का नाम लिखता हूँ एस्ट्रोजन, है ना, एक और नाम लिखते हैं प्रोजेस्टेरोन, तो दीज आर द फीमेल सेक्स हार्मोन्स। अभी हम लोग मेल सेक्स हार्मोन या फीमेल सेक्स हार्मोन को नहीं पढ़ रहे हैं, प्रॉपर टाइम आएगा तब हम लोग इनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, विल बी डिस्कसिंग विद दैट। ठीक है, बट अभी बेसिक्स तो आपको कम से कम आना ही चाहिए कि ये जो होता है एस्ट्रोजन जैसे, तो इट कंट्रोल्स
secondary sexual characters, secondary sexual characters in females. It controls secondary sexual characteristics in females. तो production of female sex hormones, estrogen and progesterone. अभी मैं hormones के बारे में discuss नहीं कर रहा हूँ बेटा कि testosterone क्या करेगा, estrogen क्या करेगा, progesterone क्या करेगा. But हाँ, discussion चल रहा है तो ये ध्यान रखना कि testosterone controls all the secondary sexual characteristics in males, जैसे males के अंदर development of beard and mustache of the face region, ठीक है ना. इसी तरीके से shoulders का broad होना, आवाज़ जो है उसका कोएड्स होना, भारी होना, ठीक है. इसी तरीके से फीमेल्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ये सब जो है वो एस्ट्रोजन के कारण हो रहा है यहाँ पर फीमेल के अंदर. अब एक और चीज़, अभी हमने जब डिस्कशन किया था तो ये कहा था, एक स्टेटमेंट आया था, मेल एंड फीमेल गैमेट्स कंबाइन एंड डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल. तो ये जो किस तरीके से डेवलपमेंट होता है वो देखिएगा. तो यहाँ पर एक नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है वो देखो. तो मान लीजिए कि यहां पर हम लेते हैं मेल, यहां पर हमने बात की किसकी, मेल की, और यहां पर बात की फीमेल की. तो मेल से क्या बना बेटा, मेल से बना मेल गैमेट, फीमेल से बना फीमेल गैमेट, फीमेल से बना फीमेल गैमेट. मेल गैमेट आप सब जानते हैं स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम होता है. नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, ठीक है. और ये जो है ये क्या चीज़ है, पेरेंट्स है, ठीक है. पेरेंट्स जो होते हैं वो तो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं बेटा. लेकिन हैप्लोइड जो होता है, गैमेट जो होता है वो हमेशा हैप्लोइड होता है. ये तो इतना तो सब जानते हैं कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड. और जब पेरेंट्स के अंदर मियोसिस होता है, विच इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन, चाहे वो मदर हो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो मियोसिस होता है. तो मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है ना, तो 2n से बेटा क्या बन जाएगा, n बन जाएगा. तो स्पर्म और ओवम जो होते हैं, गैमेट्स हमेशा हैप्लोइड होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड, गैमेट्स हैप्लोइड होते हैं. अब ये क्या करेंगे, n और n फ्यूज करेंगे, फ्यूजन होगा इनका. फ्यूजन का मतलब क्या हुआ बेटा, फर्टिलाइजेशन हुआ. और जब फ्यूजन होगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, और वो जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज जायगोट. तो फ्यूजन तो n प्लस n का हुआ है ना बेटा, तो n प्लस n का हुआ है तो क्या बनेगा, 2n, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज नोन एज 2n. अब ये जो जायगोट बना है इसके अंदर माइटोसिस होगा. ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है बेटा केवल, अभी वी आर टोटली फोकसिंग आवर डिस्कशन ऑन द ह्यूमन बींग्स. तो जायगोट के अंदर माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा. तो माइटोसिस नेवर चेंजेस द क्रोमोसोम नंबर, तो ये 2n बनेगा, और एम्ब्रियो डेवलप होगा इनटू यंग वन. एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, यंग वन के अंदर. तो ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा, ये जो कंप्लीट प्रोसेस जो अपने को डिस्कस करना है, वही तो पूरे चैप्टर में करना है, किस तरीके से स्पर्म बनेंगे, कैसे ओवम बनेंगे, कैसे फ्यूजन होगा, कैसे जायगोट बनेगा, कैसे एम्ब्रियो बनेगा, कैसे यंग वन बनेगा. ये जो पूरा प्रोसेस जो अभी शॉर्ट के अंदर लिख रखा है, ये अगले 10 दिन तक चलेगा पूरा. आर यू गेटिंग, आगे बढ़े. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. अभी बेटा अपने डिस्कस कर रहे थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, उन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर क्या बन रहे थे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन रहे थे, डेट इज स्पर्म्स और ओवम बन रहे थे. लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को डिस्कस किए हुए अधूरा है. अपने डेस्टिनेशन के ऊपर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पहुंच ही नहीं पाएंगे यदि क्या ना हो, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ना हो. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंड द गैमेट्स टू दियर डेस्टिनेशन. वो डेस्टिनेशन पर तभी जा पाएंगे जब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स अवेलेबल होंगे. तो हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को पढ़ते हैं. ये देखो क्या लिखा हुआ है बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के लिए, कि दीज फॉर्म द पैसेज फॉर द गैमेट्स, दीज फॉर्म द पैसेज फॉर द गैमेट्स
to help the union of male and female gametes. These form the passage for the gametes. Matlab, secondary sex organ give the passage for the gametes. Secondary sex organ jo hain, wo gametes ko pathway dete hain, so that they can move and ultimately they can reach their destination and they can unite with each other to form the zygote. So these form the passage for the gametes to help the union of male and the female gametes. Clear hai? Now, male ke andar kya kya include hai? In male ke andar secondary sex organs kaun kaun se hain? Ek to beta yaad rakhna epididymis. Epididymis, ye sab pura detail ke andar aayega, full detail ke andar aayega. Epididymis is the portion which is associated with the testes. Testes ke bilkul paas mein laga hua hoga. Vas deferens, which is also called as the sperm duct, which carries the sperms. और हम तो कह रहे हैं ना कि these form the passage for the gametes. आज मुझे एक बात बताओ, testes के अंदर जो sperm बनते हैं, testes के अंदर जो sperm बनते हैं, वो सबसे पहले आएंगे epididymis के अंदर. Epididymis से फिर कहाँ जाते हैं बेटा? Vas deferens के अंदर, है ना? तो इस तरीके से passage देता है seminal vesicle, prostate, bulbourethral glands and penis. तो ये सब secondary sex organs के category में आते हैं. कौन कौन से बेटा? Epididymis. जब प्रॉपर टाइम आएगा तब हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं. Epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate, bulbourethral glands and penis. ये सब secondary sex organs हैं. Alright? अभी क्या होते हैं ये आपको ज़्यादा सोचना नहीं है. हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, एक एक पार्ट को. फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से बेटा? फेलोपियन ट्यूब. यू नो व्हाट आर फेलोपियन ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब बोले तो ओविडक्ट. आर गेटिंग? फेलोपियन ट्यूब क्या होते हैं? ओविडक्ट. यूट्रस आप सब जानते ही हो, वेजाइना. ठीक है, तो इन फीमेल फेलोपियन ट्यूब्स होती है, यूट्रस होते हैं, वेजाइना होते हैं. अच्छा, जो ब्रेस्ट है ना, ब्रेस्ट फीमेल्स के, उसको एक एसेसरी सेक्स ऑर्गन माना गया है. अकॉर्डिंग टू सम हाइपोथेसिस, ब्रेस्ट को क्या मानते हैं? एसेसरी सेक्स ऑर्गन के तौर के ऊपर मानते हैं. इट इज़ अ एसेसरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, इसको मतलब हम एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ना मानकर और एक एसेसरी सेक्स ऑर्गन मानते हैं, विच हेल्प्स राइट इन द रिप्रोडक्शन. तो इट इज एन एसेसरी सेक्स ऑर्गन. नाउ अब क्वेश्चन ये राइज होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, आखिर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पर होता है? अब ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन बनता है यहाँ से. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन. नाउ वी ऑल हैव बीन डेवलप्ड इन द मदर्स यूट्रस. ठीक है, हम जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थे तो कहाँ पर थे? मदर की यूट्रस के अंदर थे. वी ऑल वर फॉर द 9 मंथ्स इन द मदर्स यूट्रस. सो ड्यूरिंग द इंट्रा यूटराइन लाइफ. इंट्रा यूटराइन लाइफ मतलब यूट्रस के अंदर की जो लाइफ थी, जहाँ पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, द टेस्टीज एंड द ओवरीज डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म. वेरी इंपॉर्टेंट, यूट्रस के अंदर रहते हुए, है ना, यूट्रस के अंदर रहते हुए जो टेस्टीज और ओवरीज डेवलप होती है वो कहाँ से डेवलप होती है? दे डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म. आर यू गेटिंग? यू नो व्हाट इज मीजोडर्म बेटा? हमारे बॉडी का हर एक पार्ट किससे बनता है? एम्ब्रियोनिक लेयर से बनता है. आप एम्ब्रियोनिक लेयर कहिए, जर्मलेट्स कहिए, व्हाट्स एवर, हमारे हेड के एक हेयर से लगाकर, हमारे पैर के एक नील तक, सब कुछ चीज़ किससे बनती है? एम्ब्रियोनिक लेयर से बनती है. और एम्ब्रियोनिक लेयर्स कितनी होती है? 3 होती है बेटा. वन इज नोन एज द एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड द एंडोडर्म. देर आर 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. वॉट आई वॉन्ट टू से दैट ड्यूरिंग द इंट्रा यूटराइन लाइफ, मतलब जब एक मेल फीटस और एक फीमेल फीटस मदर के यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा होता है, तो टेस्टीज और ओवरीज किससे बनती है? मीजोडर्म से बनती है. द पॉइंट मस्ट बी वेरी मच क्लियर दैट बोथ द टेस्टीज एंड द ओवरीज आर फॉर्म फ्रॉम द मीजोडर्म एंड दे डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी इन इंट्रा यूटराइन लाइफ. इंट्रा यूटराइन लाइफ के अंदर तो टेस्टीज और ओवरीज दोनों ही एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही बनती है. मतलब समझ में आ रहा है, यदि मेल बेबी मदर के अंदर है तो उसकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेस्टीज डेवलप हो रही है, और यदि मदर के अंदर फीमेल बेबी है
तो उस फीमेल बेबी की एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या डेवलप हो रही है, ओवरीज डेवलप हो रही है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मदर के यूट्रस के अंदर रहते हुए मेल बेबी के एब्डोमिन के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, दैट इज ओवरी, दैट इज टेस्टिस डेवलप हो रही है, और उस फीमेल बेबी के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, ओवरीज डेवलप हो रही है। क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस एट द टाइम ऑफ बर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एट द टाइम ऑफ बर्थ टेस्टिस डजंट रिमेन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ध्यान से सुनना, एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द मेल चाइल्ड द टेस्टिस डिसेंड डाउन इन द स्क्रोटम सैक बट ओवरीज रिमेन इन द एब्डोमिनल कैविटी ओनली। जब एक बच्चे का बर्थ होता है, व्हेन द बेबी बर्थ अकर, जब बेबी का बर्थ होता है तो टेस्टिस डिसेंड डाउन इन द स्क्रोटम सैक, डिसेंड डाउन इन द स्क्रोटम सैक। स्क्रोटम सैक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन बिटवीन द टू लेग्स इन मेल। आर यू गेटिंग? सो वॉट आई वॉन्ट टू से, एट द टाइम ऑफ द बर्थ द टेस्टिस डिसेंड डाउन इन टू द स्क्रोटम सैक। अभी बताएंगे स्क्रोटम सैक क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो ऊपर से टेस्टिस एब्डोमिन से उत्तर कर डिसेंड डाउन होकर और कहाँ पहुँच जाती है, स्क्रोटम सैक के अंदर, बट ओवरीज रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी ओनली। ओवरीज जो होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह जाती है, ओवरीज रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी ओनली, दे नेवर डिसेंड डाउन इन एनी स्ट्रक्चर आफ्टर द बर्थ ऑल्सो। मतलब फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो, जिनको हम ओवरीज कह रहे हैं, वो हमेशा बर्थ के पहले भी और बर्थ के बाद में भी फीमेल चाइल्ड के अंदर ओवरीज हमेशा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होती है। जबकि मेल की बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त में, जैसे 9 months का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है बेटा, तो ध्यान से सुना, 9 months के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 7 months तक तो टेस्टिस जो होती है उस मेल चाइल्ड के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होती है, लेकिन 7th month के बाद में जब फीटस पूरा डेवलप हो जाता है तो टेस्टिस 7th month के अंदर उसकी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाती है, बॉडी के बाहर आ जाती है, और बाहर कहां पर आती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में आ जाती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम सैक कहते हैं। आर यू गेटिंग ऑन नॉट? तो जब एक मेल चाइल्ड बर्थ लेगा तो उसके अंदर टेस्टिस कहां पर दिखेगी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर या एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, यानी कि स्क्रोटम सैक के अंदर? तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, स्क्रोटम सैक के अंदर। गॉट इट और नॉट बेटा? कैन वी प्रोसीड? चलो, नाउ यहां से अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा था अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो इन जनरल था, मेल और फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और बेसिक चीज़ें बात कर रहे थे। अब पूरा हम डेडिकेट कर देते हैं, पूरा के पूरा जो सिस्टम अब कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे और इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम राइट को अलग से पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस के अंदर आप सभी जानते हैं कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है बेटा, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल बिल्कुल अलग होता है, फीमेल बिल्कुल अलग होती है। तो इसलिए हमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स भी पूरे सेपरेटली पढ़ने पड़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? चलो, इन मैन देयर इज वन पेयर ऑफ टेस्टिस एंड दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। तो मेल्स के अंदर वन पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं एंड दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर कंसर्न्ड विद दिस production of the sperms which are known as the male gametes, as well as they are concerned with the production of the male sex hormone known as the androgen or the testosterone. Clear? चलो अब testes की बात करते हैं। तो testes की जो size होती है बेटा, उनकी size, length और width की बात करें तो they are 4 to 5 centimeter in length, और width की बात करें तो they are 2 to 3 centimeter in length, width. All right? तो इनकी जो length है वो 4 to 5 centimeter है और जो इनकी चौड़ाई है वो है 2 to 3 centimeter. All right? Now
बोथ टेस्टीज, बेटा ध्यान से सुना, बोथ टेस्टीज आर लोकेटेड इन अ स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिलो एंड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब ये बात तो तय हो गई कि टेस्टीज जो होती है एक बच्चे के बर्थ के बाद में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था बेटा एक बार नीट के अंदर कि टेस्टिस कैसी होती है, तो ऑप्शन के अंदर अपने को चूज करना था एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब होता है दे आर फाउंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, दे आर फाउंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। सो बोथ टेस्टिस आर लोकेटेड, बोथ टेस्टिस आर लोकेटेड इन अ स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर और अ सैक लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिलो एंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन बिटवीन द टू थाइज, इन बिटवीन द टू थाइज ऑफ द मेल चाइल्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्क्रोटम और द स्क्रोटल सैक। आप जो कुछ कहना चाहें आप उसको स्क्रोटम कह सकते हैं, आर यू गेटिंग, आप उसको स्क्रोटल सैक कह सकते हैं। नाउ द की थिंग टू बी नोटेड हियर इज दैट सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू टेस्टीज डिसेंड डाउन, व्हाई डू टेस्टीज डिसेंड डाउन इन स्क्रोटम सेक, ये क्वेश्चन है ना। व्हाई नॉट ओवरीज, ऐसा क्यों हुआ, ओवरीज नीचे क्यों नहीं आई, ओवरीज भी आ जाती, वो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उनमें भी ओवम बनता है, तो वो क्यों नहीं बाहर आ गई। ओवरीज जो है वो तो अंदर रह गई, किसके अंदर, फीमेल की एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह गई, लेकिन टेस्टिस ही नीचे क्यों आई। तो उसका कारण है बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द बॉडी। अच्छा, ये टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस पे लिखा हुआ मिले ना तो भी कंफ्यूजन मत रखना, 3 तक हो सकता है। द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम सैक इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द बॉडी, राइट। तो इसलिए टेस्टिस जो होती है वो डिसेंड डाउन होती है स्क्रोटम सैक के अंदर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, याद रखना क्या कहा मैंने, यहां पर लिख देता हूं मैं, फॉर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ध्यान से सुनो क्या कहा मैंने, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर जरूरी होता है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस कभी भी हाई टेम्परेचर के ऊपर हो ही नहीं सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बेटा, अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37। हम ये कहना चाहते हैं कि इस टेम्परेचर के ऊपर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता है। तो नेचर ने क्या किया इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, नेचर ने क्या किया, देखो नेचर बहुत कुछ सोच समझ के चीज़ें करती है। नेचर ने क्या किया कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, 37 है, तो क्या हुआ कि स्क्रोटम सैक के टेम्परेचर को, स्क्रोटम सैक बॉडी के ठीक नीचे एब्डोमिनल कैविटी के ठीक नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, तो उसके टेम्परेचर को नेचर ने क्या कर दिया, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, 2 to 2.5 डिग्री, 3 डिग्री तक कम कर दिया। और इस टेम्परेचर पर मतलब 37 से 3 माइनस कर दो है ना, तो 34 तक के टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है। तो डेट्स वाई द टेस्टीज हैव बीन डिसेंडेड डाउन इन द स्क्रोटम सैक। तो इफ समबडी आस्क यू इन द बोर्ड और इन नीट एग्जाम दैट व्हाई डू टेस्टीज डिसेंड डाउन इन स्क्रोटम सैक, तो आप ये कहोगे फॉर द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, बट द प्रॉब्लम इज दैट द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज हाई, बट इफ द टेस्टीज डिसेंड डाउन इन द स्क्रोटम सैक, देयर इन द स्क्रोटम सैक एटलीस्ट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, एंड एट दैट टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस इज पॉसिबल एंड दैट्स वाई द टेस्टीज डिसेंड डाउन इन द स्क्रोटम सैक। गॉट इट और नॉट बेटा। चलो अब क्वेश्चन राइज होता है, ओके सर हमने मान लिया कि टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज लेस देन द बॉडी टेम्परेचर और इसके ऊपर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है, ओके तो क्या ओवम को, क्या ओवम के डेवलपमेंट के लो टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है क्या, तो नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर फॉर द ओवम प्रोडक्शन। तो ओवम ऑलरेडी वहां पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर, भले ही फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर 37 हो उसके ऊपर भी वो हो जाएगा।
नाउ इंटरनली आप ध्यान से सुनना, नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि क्या कोई ऐसी कोई स्ट्रक्चर होता है, क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्क्रोटम के अंदर इस लेस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है? बिकॉज स्क्रोटम भी तो, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर स्क्रोटम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बॉडी ओनली, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो फिर वो अकेला एक इतना सा पाउच जैसा जो स्ट्रक्चर है जो दोनों थाइस के बीच में, उसमें टेम्परेचर आखिर 3 डिग्री कम क्यों हो गया, 2.5 डिग्री तक कम क्यों हो गया? तो उसका कारण है कि जो स्क्रोटल सैक है उसमें बेटा नेचर ने दो तरीके की मसल्स दी है, समझना। स्क्रोटम के अंदर दो तरीके की मसल्स होती है उसके अंदर, एक तो मैंने बता भी रखी है, एक और बता देता हूं आपको। एक तो होती है बेटा क्रीमास्टर मसल्स, एक तो होती है क्रीमास्टर मसल्स, और दूसरी जो मसल्स होती है वो कौन सी होती है, दैट इज नोन एज डार्टोस मसल्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? एक तो होती है डार्टोस मसल्स और एक होती है क्रीमास्टर मसल्स। ये एक्चुअली स्क्रोटम के अंदर या स्क्रोटम सेक के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। तो देखो इंटरनली स्क्रोटम इज लाइंड बाय डार्टोस मसल्स, इंटरनली स्क्रोटम इज लाइंड बाय डार्टोस मसल्स। डार्टोस मसल हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर विद इन द स्क्रोटम, ठीक है। नॉट ओनली द डार्टोस मसल्स बेटा, यू कैन ऑल्सो एडिट दैट इज क्रीमास्टर मसल्स। क्रीमास्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स मिलकर और टेम्परेचर को रेगुलेट करती है किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर। एक्चुअली ये मसल्स कैसे वर्क करती है देखो, ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन्स, जैसे अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, तो क्या करेगी कि ये जो डार्टोस मसल्स और क्रीमास्टर मसल्स है ना, ये एक्चुअली क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। व्हाट दे विल डू, दे विल कॉन्ट्रैक्ट बेटा, दीज मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से जो स्क्रोटल सैक होता है वो छोटा होकर, एलिवेटेड होकर, थोड़ा सा ऊपर उठकर एलिवेटेड होकर और बॉडी के पास में आ जाता है, जिससे हीट लॉस नहीं होती है, जिससे हीट लॉस नहीं होती है। और गर्मियों के दिन जैसे ही आते हैं तो गर्मियों के दिनों के अंदर ये मसल जो होती है बेटा वो क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। तो रिलैक्स हो जाएगी तो जैसे मान लीजिए ये राइट यहां पर स्क्रोटम सैक है, तो स्क्रोटम सैक जो गर्मियों के दिनों के अंदर इन मसल्स के, डार्टोस मसल्स और क्रीमास्टर मसल्स के रिलैक्स होने से स्क्रोटम जो होगा वो बॉडी के दूर हो जाएगा, थोड़ा सा लटक जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा दूर हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आसानी से हीट लॉस होगी। और सर्दियों के दिनों के अंदर अभी जैसे विंटर का सीजन है तो ये जो डार्टोस मसल्स है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ऐसे। तो क्या होगा कि टेस्टिस जो स्क्रोटम सैक होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, एलिवेटेड हो जाएगी, मतलब स्क्रोटम सैक एकदम से जाकर और बॉडी से चिपक जाएगा। आर यू गेटिंग? तो उससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हीट लॉस नहीं होगी। लाइक दिस बाय द कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द विंटर एंड रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द समर्स, दे आर एबल टू मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर एटलीस्ट 2 to 2.5 degrees Celsius और 3 degree, राइट, अप टू 3 degree, राइट, लेस देन द बॉडी टेम्परेचर इन द स्क्रोटम सैक। गॉट इट और नॉट, इज इट क्लियर? तो यहां पर देखो ये लिख दिया क्रीमास्टर मसल्स लाइन इनसाइड द वॉल ऑफ द स्क्रोटम रीजन। वापस ये तो है, ये क्रीमास्टर मसल्स तो है ही, डार्टोस तो है, क्रीमास्टर मसल्स भी बता दिया, लाइन इनसाइड द वॉल ऑफ द स्क्रोटम रीजन एंड हेल्प इन एलिवेशन ऑफ द टेस्टिस। एलिवेशन मतलब ऊपर उठाना। आर यू गेटिंग? हेल्प इन एलिवेशन ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। तो क्रीमास्टर मसल्स लाइन इनसाइड द वॉल ऑफ स्क्रोटम रीजन एंड हेल्प इन एलिवेशन ऑफ द टेस्टिस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये एनसीईआरटी के अंदर ये चीज नहीं दे रखी है, आपको आनी चाहिए। ईच टेस्टिस इज अटैच टू द वॉल ऑफ द स्क्रोटम सैक। अब टेस्टिस ऊपर से नीचे आ गई, कहीं टेस्टिस वापस से ऊपर ना चले जाए, कहीं टेस्टिस वापस से ऊपर ना चले जाए, तो क्या होता है बेटा कि एक स्ट्रक्चर होता है, आर यू गेटिंग, एक इलास्टिक कोड होती है जो कि किसके बीच में होती है, टेस्टिस और स्क्रोटम सैक की वॉल के बीच में होती है। टेस्टिस और स्क्रोटम सैक की जो वॉल होती है उनके बीच में होती है, उन इलास्टिक कोड्स को बेटा बोलते हैं गुबरनेकुलम, व्हाट वी कॉल इट इज गुबरनेकुलम, जो टेस्टिस को होल्ड करके रखती है। तो उससे क्या होता है, टेस्टिस वापस से ऊपर नहीं जाएगी, एक बार नीचे आ गई तो वापस से ऊपर नहीं जाएगी। तो देखो ईच टेस्टिस इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द स्क्रोटम सैक थ्रू फ्लेक्सिबल इलास्टिक फाइबर्स, थ्रू फ्लेक्सिबल इलास्टिक फाइबर्स, एंड दिस ग्रुप ऑफ द फाइबर इज कॉल्ड एज द गुबरनेकुलम। आर यू गेटिंग? मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि यहां पर बात करें, यदि ईच टेस्टिस इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द स्क्रोटल सैक,
मान लीजिए कि मैं तुमको समझाने के लिए ये बनाता हूँ कि ईस्ट ऐसे अटैच टू द वॉल ऑफ स्क्रोटल सैक। ये क्या है? स्क्रोटल सैक है, दिस इज द स्क्रोटल सैक और द स्क्रोटम। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये टेस्टीज है, से फॉर इफ दिस इज द टेस्टीज, ये टेस्टीज है, मान लो ये टेस्टीज है, यहां पर लिख देते हैं टेस्टीज। ठीक है, अब ये एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आई थी ना बेटा, राइट, ये स्क्रोटम सैक तो बॉडी के बाहर है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है ना, टेस्टीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, और ये मान लीजिए लाइन के ऊपर का जो हिस्सा है वो एब्डोमिनल कैविटी का है, तो टेस्टीज ऊपर से नीचे आ गई, तो कहीं वापस से ऊपर ना चले जाए, तो क्या होता है कि टेस्टीज और स्क्रोटम सैक के बीच में कुछ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, यहां पर कुछ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं बेटा, है ना, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इस तरीके के, ऐसे ऐसे कुछ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और इन्हीं इलास्टिक फाइबर्स को, इन इलास्टिक फाइबर्स को जानते हो बेटा हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज गुबरनिकुलम, गुबरनिकुलम, आ रहा है समझ में, इनको हम क्या कहेंगे, गुबरनिकुलम के नाम से जानते हैं। सो दिस ग्रुप ऑफ फाइबर इज कॉल्ड एज गुबरनिकुलम और मिजोर्शियम, डोंट बी कंफ्यूज एट ऑल, मिजोर्शियम इसी को कहते हैं, तो कई किताबों के अंदर ये क्लियर नहीं है, इसलिए क्लियर कर लेना बेटा, गुबरनिकुलम इज एक्चुअली द मिजोर्शियम। तो ये दोनों टेस्टीज और स्क्रोटम सैक आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ताकि ये ऊपर से नीचे तो आई है लेकिन ये वापस नीचे से कहीं ऊपर ना जाए, उसको ये रोकेगी। गॉट इट और नॉट? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो आपको डिस्कशन करना यहां पर जरूरी है। ईस्ट टेस्टीज इज अटैच टू द डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू अ कोड टर्म्ड एज द स्पर्मेटिक कोड। अब ये एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन एनसीईआरटी में शो नहीं कर रखा, आई डोंट नो व्हाई। ईच टेस्टिस इज अटैच्ड टू द डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू अ कोड टर्म्ड एज स्पर्मेटिक कोड। मतलब टेस्टिस ऊपर से नीचे आ गई, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका कॉन्टैक्ट एब्डोमिनल कैविटी से टूट गया है, नो, नॉट लाइक दैट टाइप। ईच टेस्टिस इज अटैच्ड टू द डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, राइट, थ्रू अ कोड टर्म एज द स्पर्मेटिक कोड। मतलब एब्डोमिनल कैविटी से उसका रिलेशन है। मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ, मानो कि बेटा ये टेस्टीज है, से फॉर यहां पर एक टेस्टीज है, ठीक है, आगे भी बताऊंगा, तो इस टेस्टीज से एक जुड़ा हुआ एक पार्ट है बेटा, है ना, टेस्टीज से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है ये ऐसा, जो किधर की तरफ जा रहा है, ये किधर की तरफ दिख रहा है आपको, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ दिख रहा है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज नथिंग, इट इज द स्पर्मेटिक कोड, ये स्पर्मेटिक कोड है बेटा, क्लियर, क्या कहा मैंने, ईच टेस्टीज इज अटैच टू द डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू अ कोड नोन एज द स्पर्मेटिक कोड। अब इस स्पर्मेटिक कोड में है क्या, इस स्पर्मेटिक कोड में है क्या, तो दिस कोड इज मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर्स। ये कोड किसकी बनी हुई है, इलास्टिन फाइबर्स की बनी हुई है, और द कंटेंट्स ऑफ द कोड्स आर, इसमें क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वास्ट डिफरेंस हो सकती है, गोनेडल वेन्स हो सकती है, गोनेडल आर्टरीज हो सकती है, नर्व्स हो सकती है, लिम्फेटिक्स हो सकती है। आर यू गेटिंग? मतलब मैं कहना चाहता हूं कि इस स्पर्मेटिक कोड जो कि इलास्टिन फाइबर से बनी हुई है, इसमें क्या क्या है बेटा, तो इसमें गोनेडियल वेन्स हो सकती है, इसमें गोनेडियल आर्टरीज हो सकती है, इसमें लिम्फ वेसल्स हो सकती है, इसमें नर्व्स हो सकती है, इसमें वास डिफरेंस हो सकती है। आर यू गेटिंग? तो स्पर्मेटिक कोड है, तो टेस्टीज आर अटैच टू द डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू अ कोड, एंड दैट कोड इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटिक कोड। याद रखोगे, भूलना मत इसको। नाउ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, सुनना बेटा, टेस्टीज डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी। अरे भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो टेस्टीज मेल बेबी के एब्डोमिन में ही तो बनी थी ना, बट दे डिसेंड डाउन, दे डिसेंड टू रीच द स्क्रोटम एट द टाइम ऑफ बर्थ। कन्फ्यूजन मत करना, एट द टाइम ऑफ द बर्थ मतलब ड्यूरिंग सेवेंथ मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग सेवेंथ मंथ, क्योंकि यहां पर कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ड्यूरिंग सेवेंथ मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के सेवेंथ मंथ में
एम्ब्रियोनिक स्टेज के सेवेंथ मंथ के अंदर मेल चाइल्ड के अंदर टेस्टिस डिसेंड डाउन होकर और कहां पर आ जाती है, नीचे आ जाती है स्कोटम से अंदर। तो ये जो लिखा हुआ है ना कि दे डिसेंड टू रीच स्कोटम एट द टाइम ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ का मतलब ऐसे नहीं कि जैसे मदर से पार्चुरेशन हो रहा है और उस वक्त टेस्टिस डिसेंड डाउन हो रही है, नो, इट अकर्स एट द सेवेंथ मंथ ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि सेवेंथ मंथ तक सारे ऑर्गन्स वगैरह डेवलप हो चुके होते हैं, तब होता है ये। नाउ व्हेन द टेस्टिस डज नॉट डिसेंड टू रीच द स्कोटम बट रिमेन इन द एब्डोमिनल कैविटी एट द टाइम ऑफ द बर्थ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अनडिसेंडेड टेस्टी और क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या मतलब है बेटा क्रिप्टोर्किडिज्म? क्या होता है? वैसे तो सभी मेल चाइल्ड के अंदर टेस्टीज डिसेंड डाउन इन द स्क्रॉटम सेक ड्यूरिंग द सेवेंथ मंथ ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो बर्थ लेते हैं तो उनके अंदर टेस्टीज नीचे आती ही नहीं है स्क्रॉटम सेक के अंदर, और टेस्टीज अनडिसेंडेड रह जाती है। दैट इज कॉल्ड एज अनडिसेंडेड टेस्टीज। मतलब जो टेस्टीज डिसेंड होकर ना आई हो उसको अनडिसेंडेड टेस्टीज कहते हैं। तो वो अंदर ही रह जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाती है, उसको हम बायोलॉजी के अंदर टेक्निकली कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या कहते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म। सच टेस्टिस कैन नॉट डेवलप एंड फंक्शन प्रॉपरली एंड डेवलप मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी का मतलब है बेटा कैंसर प्रोड्यूस करेगी। ऐसी टेस्टिस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगी, अंदर स्पर्म्स वगैरह स्पर्मेटोजेनेसिस का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। फंक्शन नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली का मतलब है दे विल नॉट सिंथेसाइज द स्पर्म्स और उसके अंदर मेलिग्नेंसी हो जाएगी यदि उसको बॉडी के बाहर नहीं निकाला गया तो। मेलिग्नेंसी मतलब कैंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए तो बच्चों के अंदर क्या किया जाती है? ऑर्क्योपैक्सी की जाती है। ऑर्क्योपैक्सी का मतलब होता है व्हेन द अनडिसेंडेड टेस्टीज आर ब्रॉट डाउन इन द स्क्रॉटम सैक बाय सर्जिकल प्रोसेस देन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड एज आर्क्योपैक्सी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आर्क्योपैक्सी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ जब बात टेस्टीज की चल रही है तो एक और बता देते हैं, कैस्ट्रेशन भी बता देते हैं तुमको कि कैस्ट्रेशन क्या होता है। कैस्ट्रेशन इज नथिंग बेटा, इट इज द क्रशिंग ऑफ द टेस्टीज इन द बुल्स टू कन्वर्ट देम इनटू बुलॉक्स। समझ में आ रहा है? टेस्टीज को क्रश कर देना बुल्स के अंदर ताकि उनको बुलॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। बुलॉक्स समझते हो ना, जो खेत में काम करेंगे, जो हल चलाने में मदद करेंगे एक फार्मर की, तो उनको बुलॉक्स में बदल देना। तो एक्चुअली क्या होता है कि दिस मेक्स देम मोर ओबीडियंट ड्यू टू फॉल इन द लेवल ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। एक बात बताओ, आज ही की क्लास में बता दिया था टेस्टोस्टेरोन कहां बनता है बेटा। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड इन, कम ऑन, टेस्टोस्टेरोन कहां बनता है? टेस्टीज के अंदर बनता है। अब सोचो जरा कि उस बुल की, कैस्ट्रेशन इज नॉट डन इन ह्यूमन बींग्स है ना, ये ध्यान रखना। तो कैस्ट्रेशन क्या है? क्रश कर देते हैं, टेस्टीज को कुचल दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है। तो नेचुरली कि टेस्टीज को ही आपने क्रश कर दिया तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो रिलीज होगा ही नहीं। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो वो जो बुल है उसको आसानी से आप बुलॉक बना सकते हो, मतलब उसको आप खेतों में काम करने के लायक बना सकते हो। क्यों? टेस्टोस्टेरोन इज अ एग्रेसिव हार्मोन बेटा मेल्स के अंदर। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि मेल जो होता है वो एग्रेसिव होता है नेचर के अंदर, और फीमेल जो होती है वो बहुत सॉफ्ट नेचर की होती है। आर्ग्यूटिंग मेल एग्रेसिव होता है, मतलब मेल गुस्सैल होता है, उसको बात बात में गुस्सा ही गुस्सा आता है। आपने देखा होगा पापा और मम्मी के नेचर के अंदर देखा होगा आपने, है ना, पापा को गुस्सा ज़्यादा, नॉर्मल जनरल, इन जनरल कह रहा हूँ, कभी कभी मम्मी को भी बहुत जोर से आता है, ध्यान रखना। तो पापा को गुस्सा ज़्यादा आता है, क्यों? क्योंकि पापा के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो कभी भी गुस्सा आए तो ये मान के चलो पापा की गलती नहीं है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की गलती है, ठीक है। तो पापा को गुस्सा आएगा तो वो एग्रेसिव, कभी कभी देखा होगा पापा ने पूछा नंबर कितने आए बेटा स्नेहा तेरे, बता नंबर कितने आए, नंबर कितना है, 10 में से पापा 0 आए, और 0 जोर से एक खींच के पड़ गए। दैट इज एग्रेसिवनेस, वो एग्रेसिवनेस है। तो वैसे ही बुल्स के अंदर भी होता है कि वो एग्रेसिवनेस होगी, है ना। ये थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना उन बुल्स को चंचलता देता है। आर यू गेटिंग? वो जो है वो फार्मर उसको, उस बुल को जिसमें टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी है उससे बहुत ज़्यादा काम नहीं ले पाएगा फील्ड के अंदर, है ना। वो काम लेने की कोशिश करेगा, वो जो बुल है वो फार्मर को आंखें दिखाएगा, ऐसे हॉर्न से हमला करेगा, सींग से हमला करने की कोशिश करेगा। आर यू गेटिंग? लेकिन उसके
टेस्टिस को क्रश कर दिया तो टेस्टोस्टेरोन खत्म, टेस्टोस्टेरोन खत्म तो एग्रेसिवनेस खत्म, एग्रेसिवनेस खत्म तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल तो कम हो ही जाएगा, एग्रेसिवनेस कम हो गई तो अब आप उस वो ओबीडियंट हो जाएगा और वो खेतों में आराम से बुलों की तरह काम करेगा। यस ओ नो बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? मेरे साथ में चलो 90 में से, आई अश्योर यू यदि तुम मेरे साथ में चले 85 to 88 क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे नीट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू गेटिंग बेटा? तो बी हैप्पी, साथ में पढ़ाई करते रहें।